नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप लोग भी ये नोट सेल करना चाहते हो या फिर 786 वाले नोट बेचना चाहते हो, पुराने नोट आपके कैसे बिकेंगे? दोस्तों इस चीज के ऊपर हमने काफी जोर लगाया है कि पुराने नोट या सिक्के जो होते हैं वो कैसे सेल होते हैं। जैसे कि 5 रुपए का ट्रैक्टर वाले नोट में क्या चीज है, हम जिस किसी भी बायर से कॉन्टेक्ट करते हैं तो वो 5 रुपए वाला ट्रैक्टर वाला नोट लेने की बात करता है, 786 वाले नोट लेने की बात करता है या फिर स्टार वाले नोट लेने की बात करता है, तो इन चीजों में क्या चीज है? दोस्तों आज आपको मैं बताऊंगा 786 वाले नोटों को लेकर कि 786 वाले नोट किस प्रकार से आपके सेल हो सकते हैं या फिर उसमें क्या होना चाहिए, तो बिल्कुल वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों आपको पता, आपका भाई आपके लिए रोज लेके आता है, नए नए तरीकों से लेके आता है, पुराने नोट या पुरानी जो भारतीय करेंसी है इनसे रिलेटेड हर एक सवाल। तो बिल्कुल आप लोगों के जो भी सवाल है वो सब हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं कि आपके सवालों के जवाब क्या हो सकते हैं या आपके नोट कहाँ सेल हो सकते हैं या आपके नोट कौन खरीदने वाला है। तो ये सबसे ज्यादा सवाल हमारे चैनल पे आता है ट्रैक्टर वाले नोट का, माता वैष्णो देवी वाले का, इसके बाद का, तो जब उसके बारे में भी हम बताएंगे। ये जो ट्रैक्टर वाला नोट है ये कैसे महंगे हो सकते हैं या फिर इनमें क्या खास वजह है, आज इसके जितने भी सीरीज है वो सब हम आपको बताएंगे कि किस किस प्रकार के नोट आपके महंगे हैं और 786 वाले नोटों की क्या वैल्यूएशन है। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि हम इतनी मेहनत करके इतनी जो जानकारी लेके आप लोगों तक लेके आते हैं वो आप लोगों तक इम्पोर्टेंट जानकारी लेके आते हैं। तो प्लीज हमारा मकसद यही रहता है कि आप लोग जरूर से जरूर वीडियो अंत तक देखें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा बिना किसी शुल्क, बिना किसी रजिस्ट्रेशन चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज वाले सब कुछ फ्रॉड है। तो बिल्कुल अब दोस्तों हम अपने बोर्ड पे चलते हैं। बिल्कुल दोस्तों आप हमारे यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा है दोस्तों 786 यानी 786 वाले नोट, यही हमारा टाइटल है, यही हमारा डिस्क्रिप्शन है और यही हमारा क्वेश्चन है और यही हमारा उत्तर है। नीचे लाखों रुपए के, जब भी हम किसी फेसबुक इंस्टा या फिर व्हाट्सएप या फिर यूट्यूब, जब भी किसी या फिर गूगल भी मान सकते हो इसमें, इन जो सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है इन पे जब भी हम किसी पे देखते हैं या ये चीजें सर्च करते हैं 786 वाले, तो इसमें काफी सारे लोग हमें मैसेजेस में या वहां पे पोस्ट मिलती है वो बताते हैं लाखों वाला, यानी 786 का जो नोट है वो लाखों में मैं खरीदूंगा। अब हम जब भी उसको बेचने की बात करते हैं तो वो 1199, 500 रुपये, 1500 रुपये, इस प्रकार के चार्ज बता देते हैं और चार्ज में हमारे साथ हो जाता है फ्रॉड हो जाता है। तो इन फ्रॉड से तो आपको बचना ही बचना है क्योंकि आजकल का जो सोशल साइट्स का जमाना है इसमें फ्रॉड भी काफी महंगा हो चुका है, यानी फ्रॉड को जो है इस कदर लोग यूज लेते हैं कि गरीब आदमी का गला काटते टाइम नहीं लगाती, वो कड़ी मेहनत से कमाता है। तो ये जो ट्रैक्टर वाले नोट है इनको वो क्यों महंगे बताते हैं, इनकी मेन वजह है ये बहुतायत में, यानी बहुतायत में मिल जाते हैं, आप और हम लोगों के पास में ये नोट मिल जाते हैं, तो इन नोटों का वो इतना कोई जो रेयर होते हैं वो नहीं है, तो इन नोटों का तो उतना कोई वैल्यू भी नहीं है। इसमें आर इनसेट और वाई वी रेडी, ये गवर्नर का सिग्नेचर है, ये इनसेट है। अगर यही नोट आपके पास है तभी आपका ये नोट 300 रुपये तक सेल हो सकता है, सेल कहाँ पे होगा वो भी मैं बता दूंगा। अब बात आती है दोस्तों हमारे 786 के बारे में, आपने काफी नोट पे देखे होंगे, मेरे पास में भी काफी सारे नोट है,
जिसमें लिखा है 786290, यह सीरियल नंबर लिखा है। आप और हम लोग समझते हैं यार ये 786 है, लेकिन नहीं दोस्तों, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें क्या है दोस्तों, सुनिएगा, यहाँ पे 092687 यानी ये लिखिएगा 7 8 6, यहाँ पे 2 और 9 और 0। अब आप लोग यहां पे समझना, देखो क्लियरली समझा रहा हूं, यहां पे आ गए 7, ये कितने हो गए यानी लाख। यहां पर यार 786 कहां है, शुरू में अक्षर में लाख आ रहा है यानी 786000, 86000, यहां पे हजार, यहां पे 100 और यहां पे आगे का 90। तो यार इसमें 786 कहां है दोस्तों, 786 वाले नोट इसीलिए बिकते हैं कि उनका जो है बोली जो हम बोलते हैं ना उसमें 786 आना चाहिए। अब ये तो आपने देख लिया, इतना तो आपको समझ में आ गया। आगे आपको और बताता हूं, ये सहज से 292786, ये जो नोट है ये थोड़ा बहुत महंगा है, लेकिन उतना भी नहीं कि आप लोग सपने साकार कर लो। ये नोट जो पहले नोट बताया था, इससे आप इसे समझते हो, अगर 50 रुपए का नोट आपके पास में है तो अगर उसमें इस प्रकार के सीरियल नंबर है तो वो आपका चला जाता है, 50 रुपए वाला 100 रुपए तक बिक जाएगा, इससे ज्यादा कीमत नहीं मिलेगी, बिल्कुल इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, ये गांठ बांध लेना। अब दोस्तों सवाल आपके यही खत्म नहीं होते, आपके सवाल है कि फिर 786 वाले नोट कौन से महंगे होते हैं, ये मेन सवाल है। तो इसमें आपको मैं बताता हूं, आप नोटिस कर लेना दोस्तों, एग्जीबिशंस के अंदर 000786 786000, ये या फिर 1 2 3 7 8 6 1 1 1 7 8 6 7 7 7 7 7 8 6, या फिर इसको उल्टा कर लेना, इसे 2 2 2 7 8 6, यानी ये नोट क्यों बिकते हैं, ये सबसे महंगा नोट है 786 वाले में, इनका और इनका प्राइस है जाता है 786 786, ये दोनों नोट सेम दोनों महंगे हैं, यानी चाहे ये सीरियल नंबर हो जाए चाहे ये सीरियल नंबर, ये दोनों ही नोट महंगे हैं। इसका आपको अगर 50 रुपए का नोट है तो कलेक्टर्स आपको इसका 1500 रुपए तक भी दे सकते हैं, और कलेक्टर के ऊपर डिपेंड रहता है, 15000 भी दे देते हैं, ये इसके कोई दावे नहीं करता। 786 वाले कोई रेयर नोट नहीं है, ये एक हमारे आम चलन की जो पॉपुलेशन है या आम चलन की जो पॉपुलरिटी है, इसलिए ये दुनिया से डिफरेंट दिखने वाला है। ये नोट भी महंगे हैं, ये भी महंगे हैं, ये भी ऐसे सीरियल नंबर वाले सभी नोट महंगे हैं। तो ये 786 वाले नोटों की थी। अगर आपके पास में नोट मिलता है यानी आप लोग समझ लो 000000, ऐसे अगर फैंसी नंबर वाले मिल जाते ना तो वो भी महंगे हैं। दोस्तों नोट जो होते हैं उनका यही रहता है, लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये 786 वाले नोटों पे है। तो ये 7786 और 00786, और ये भी चल जाएगा दोस्तों, ये भी चलेगा 1 2 3 4, ये सब भी है। लेकिन आपको एक और मैं नोट बता देता हूं, वो नोट में मिल जाए तो बिक जाएगा 1 4 3 7 8 6। अब इसका दोस्तों आपको मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया था, बार बार जिक्र करने से अच्छा नहीं है, इसका अगर ऐसा नोट हो ना 1 4 3 7 8 6, ये काफी महंगा बिकेगा, क्योंकि आजकल कल के जो पॉपुलेशन है ना वो नोट में यही चीजें ढूंढती है। तो ये अगर होगा तो आपका महंगा बिकेगा। इनके अलावा
अगर आपके पास में 786 786 है और बीच के जो प्रीफिक्स नंबर में आपके सामने स्टार लगा है, ये जो स्टार, तो वो और महंगा हो जाएगा, इससे भी महंगा हो जाएगा। या फिर मिस प्रिंट है, यानी या कहीं बनाने के समय कट पट गया या उसका आकार में जो मिस्टेक हो गया, तो वो भी और महंगा है। यानी एक जो सीरियल नंबर होते हैं उनके साथ में अगर आपके पास में किसी भी नोट के अंदर, मैं ये 50 रुपए वाला का आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ, कोई सा भी नोट हो सकता है, तो उसमें उससे ज्यादा भी आपको मुनाफा हो सकता है। अगर एक चीज के अलावा दो मिसप्रिंट पाई जाती है या दो इसकी जो है अलग पहचान दिखाती है, तो ये सब चीजें महंगे हो जाते हैं। तो ये 786 वाले नोट लाखों के तो नहीं बिकते, और जो रजिस्ट्रेशन वाले ना, वो तो फ्रॉड है, फ्रॉड। इन लोगों से कि तो बच के रहना यार, आप लोगों को नोट बिके या नहीं बिके, अपने पैसे मत इन्वेस्ट करना। तो दोस्तों, जानकारी समझ में आ गई होगी, माता वैष्णो देवी वाले के बारे में भी इसी प्रकार से आपको मैं बता दूंगा। तो जल्द मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर आपका काम है कर देना दोस्तों। तो धन्यवाद।